ऑपरेशन ब्लू स्टार की 31वीं बरसी के मौके पर श्री अकाल तख्त साहिब पर रखे गए श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए। इस मौके पर श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने कौम के नाम अपना संदेश सुनाया। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह के संदेश समाप्त करने के तुरंत बाद वहां मौजूद सिख संगत ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे माहौल काफी गर्मा गया। लेकिन पुलिस फोर्स और एसजीपीसी की टास्क फोर्स के प्रयासों से बीते वर्ष की घटना जैसी कोई भी घटना नहीं घट पाई। अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान जथेदार अकाल तख्त ज्ञानी गुरबचन सिंह ने कहा कि जून 1984 के दौरान जो भी घटना घटी थी, उससे सिख संगत में आज भी रोष पाया जा रहा है। सिख संगत उस घटना को किसी भी सूरत में भुला नहीं पाई। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने संदेश में समूह सिख संगत को इकट्ठे होकर सिख पंथ को दरपेश समस्याओं का सामना करने के लिए कहा है। जम्मू में हुई हिंसक घटना के लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ शरारती तत्व जिम्मेदार हैं। उन्होंने सरकार की ओर से जम्मू के पुलिस कमिश्नर के तबादले की सराहना की और जम्मू सरकार से मांग की है कि वह इस परिवार के एक सदस्य को नौकरी दें, ताकि परिवार अपना पालन पोषण सही तरीके से कर सके। इसके साथ उन्होंने कहा कि वह आज ही जम्मू जाकर शहीद युवक के परिजनों को मिलेंगे और उनकी हर संभव सहायता करने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड दे विच ये 6 जून दा जिहड़ा दिहाड़ा है, संगतां सिख बहुत ही श्रद्धा भावना नाल उन्हां शहीदां नूं अपनी श्रद्धा समर्पित करन वास्ते मनाउंदियां ने, और जिस दे विच सानूं सारयां नूं इस गल दे उत्ते ही मुतफिक होना चाहिदा, इकट्ठे होना चाहिदा है कि असीं समुची सिख कौम इक प्लेटफार्म ते इकट्ठियां हो के पंथ दी चढ़दी कला दे वास्ते, पंथ नूं जिहड़ियां औकड़ां आ रहियां ने, जिस तरह साडे जेलां विच नौजवान बंद ने जो अज बजुर्गी दे आलम विच पहुँच चुके ने, उन्हां दी रिहाई वास्ते असीं पुरजोर जतन करिए। पंजाब सरकार दे नाल मिलके पंजाब सरकार नूं वी असीं कहीए कि उपराले करके जो भी वह कर सकते ने उन्हां दी रिहाई वास्ते सानूं हर संभव जतन करने चाहीदे ने। अस भी अज उत्थे जम्मू जा रहा है, जिस दे विच जा के सारी स्थिति दा जो जायजा लिया जाएगा, जो भी उत्थे घटना वापरी उहदे बारे जानकारी पूरी हासिल की जाएगी, और जो संगतां दी मंग उहदे मंग दे अनुसार प्रशासन नूं वी इह कहा जाएगा। वहीं दूसरी ओर दमदमी टकसाल के मुखी भाई हरनाम सिंह खालसा और जसबीर सिंह रोडे ने आज के दिन 1984 के शहीद और जरनैल सिंह भिंडरांवाला को कौमी शहीद करार दिया। वहीं उन्होंने जम्मू में हुई हिंसक घटना के लिए जम्मू पुलिस और जम्मू सरकार व केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी सरकारों ने सिख पंथ को दबाने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें मुँह की खानी पड़ी है। उन्हां दी भगती, उन्हां दी कुरबानी दुनिया विच चढ़दे सूरज दी तरह चमकदी रहेगी। इन्हां दे कुछ कीते हुए जतन किसी भी तरह के इन्हां दे काम नहीं आ सकते। असीं अज समुचे सिख कौम ने उन्हां शहीदां नूं श्रद्धांजलियां दित्तियां, 10वीं समूह सिंघां नूं, समूह शहीदां नूं दिल दीआं गहराइआं विच्चों श्रद्धांजली दिंदा होइआ सतगुरु दे चरणां च अरदास बेनती करदा है कि इहो जिहे आगू, इहो जिहे महान शक्ति भगती वाले गुरसिख सिखी दे विच पैदा हुंदे रहन। जम्मू दियां समूह संगतां शांतमई ढंग दे नाल रोस मुजहरा जां अपना रोस प्रगटा रहियां सन, जिन्हां निहत्थी संगत दे उत्ते पुलिस ने उस वक्त गोलियां चलाईयां, जिहदे दौरान बड़ी चढ़दी कला वाला एक बड़ा सुंदर नौजवान भाई जगजीत सिंह जी शहादत दा जाम पी गए है। इस घटना लई मैं सेंटर दी सरकार नूं भी और उत्थों की सरकार नूं भी मुख रूप दे विच दोषी मंदा, क्योंकि जदों सरकार नूं पता कि इन्हां दिनां विच संगतां अपने शहीदां नूं कौमी शहीदां नूं श्रद्धांजलि दे रहीआं, ते सरकार क्यों इन्हां अंसरां नूं नत्थ नहीं पाउंदी। अमृतसर से आजाद टीवी न्यूज़ के लिए राजीव शर्मा की रिपोर्ट।